नहीं नहीं आप लोग पैसा दे रहे ना, आपको घूस लेना है आप लोगों को, बगैर घूस का कोई काम ही नहीं कीजिएगा। हमको सब मालूम है, मैं बिहार नहीं मुंबई रिटर्न, नहीं पैसा आप लोग के लिए लाया ना, फोटो खींचना है हम आपको दिखा, तो आपको घूस चाहिए ना पैसा, हम ले रहे हैं। नहीं नहीं आपको चाहिए पैसा ना, वो तो मालूम है, वीडियो पे आपने लीजिएगा पैसा ना, ना वीडियो सीडियो की बात नहीं है। थाना आज आप आए थे टेम्पो चालक के मामले को लेकर, इसका क्या पूरा मामला है कृपया विस्तार से बताएं। तन को अभी हमने दिया है और आने वाले समय पे इस पे हम चाहेंगे कि डीजीपी को हम लेटर भेजेंगे और वो इस पे कार्रवाई करें। नहीं देखिए मामला 23 मार्च का है, लॉकडाउन के समय में एक गरीब व्यक्ति का 3 व्हीलर टेम्पो पे वो कहीं जा रहा था, उसको गाड़ी को पकड़ा गया और उनको अपने प्रशासन ने अपने कस्टडी में लिया, थाना अध्यक्ष ने, और अपने पास रखा और उनसे 15,000 रुपये का डिमांड किया गया कि 15,000 रुपया दीजिए तो गाड़ी छोड़ेंगे। फिर 12,000 हुआ, फिर 10,000 रुपया हुआ और 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना तक थाना अध्यक्ष अपने कस्टडी में रखा और वो रिपोर्ट बना के अनुमंडल पदाधिकारी को नहीं भेजा गया और वो अपने पास रखा और उस तरीके से 10,000 रुपये का मतलब घूस चाहिए उनको कि दीजिए तो हम गाड़ी आपको ऐसे ही रिलीज कर देंगे। तो हमें हमारे पास पता चला, हमने बात भी किया था लेकिन उसके बाद हमने 10,000 रुपया लेके आए कि अगर उनको घूसे चाहिए तो 10,000 रुपया देने के लिए आए कि आप गरीब आदमी का टेम्पो छोड़ दीजिए, क्योंकि वो बेचारा गरीब है, वो 10,000 रुपया दे नहीं सकता था। तो हमने सोचा कि 10,000 रुपया हम दे देते हैं और वो गाड़ी छोड़ लीजिए। तो उन्होंने झूठा कि नहीं, हमने अनुमंडल पदाधिकारी को हमने लिख दिया था फाइन करने के लिए। तो हमने अभी अनुमंडल पदाधिकारी से भी SDO साहब से भी हमने मिला, वहाँ पे भी हमने लेटर चेक कराया तो वहाँ पे SDO साहब के पास 1.5 महीना हो गया, 1.5 महीना तक उनके पास कोई गाड़ी का पेपर नहीं आया, गाड़ी नंबर आया उनके पास, दूसरा गाड़ी का नंबर आया भी लेकिन जो गाड़ी का जो हम बात जिक्र कर रहे हैं टेम्पो का उसका नंबर यहाँ पे नहीं आया। तो जब यहाँ पे आया नहीं तो ये फाइन क्या करेंगे? और उससे आप बताइए कि एक गरीब मजदूर को इस समय में देश में राज्य में हर किसी को एक दूसरे को मदद करने की आवश्यकता है, वहां पे बताइए एक व्यक्ति को टेम्पो पकड़ने का 15,000 रुपया घूस मांग रहा, तो उसके लिए मैंने कहीं ना कहीं ये गलत हो रहा। तो मैं खुद अपने घर पे हूँ लॉकडाउन के समय में, तो मैं सोचा कि अपने क्षेत्र का बात है तो मैं खुद SDO साहब से भी और थाना अध्यक्ष और DSP साहब से भी मैंने मिला और वो टोल मटोल कर रहे हैं कि नहीं मैंने ये कर दिया, SDO साहब को पास भेज दिया 1.5 महीना का प्रक्रिया और अभी SDO साहब बोले कि हमारे पास वो पेपर नहीं आया। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से धांधली किया जा रहा थाना पे, जिसके लिए हम यहाँ पे आज आए हैं और प्रशासन को अभी हमने दिया है और आने वाले समय पे इस पे हम चाहेंगे कि DGP को हम लेटर भेजेंगे और वो इस पे कार्रवाई